मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मूवी बहुत अच्छी है और सभी को देखनी चाहिए। मैं कुछ टाइम पहले बस ये न्यूज़ भी देख रहा था कि भाई भारत नाम क्यों रख दिया, लेकिन भारत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मतलब अच्छी चीज़ दिखाई है। उन्होंने एक अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान के जब टुकड़े होते हैं तो बहुत अपने किसी के बिछड़ जाते हैं, तो वो सारा फील मतलब पूरी स्क्रिप्ट के अंदर दिखाया है और बहुत ही अच्छा फिल्म को ग्रिप दिया है। सलमान खान जी इसमें जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, सलमान खान जी अपने हर कैरेक्टर में हर रोल में मतलब काफ़ी अच्छे फिट लगे हैं, और जो भी उनको गेटअप वगैरह दिए हैं, जो भी उनको कह रहे हैं, मतलब बंदा जब फिल्म देखने के लिए फर्स्ट सीन से बैठता है तो फर्स्ट सीन से और एंड तक वो जुड़ जाता है, कहीं भी वो पिक्चर से अपने आप को अलग नहीं पाएगा। नहीं, प्रियंका चोपड़ा की कोई ज़रूरत भी नहीं है इंडियन फिल्म में, अभी अभी उसको फॉरनर ही करने दो। इंडिया में आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं यहाँ पे, उनको भी चांस मिलना चाहिए जरूर थोड़ी। प्रियंका चोपड़ा आई थिंक, मुझे तो लगता नहीं कि प्रियंका चोपड़ा कैटरीना से बेहतर है। डायरेक्शन में कोई कमी नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन में बहुत अच्छा, एक एक शॉट को अच्छे तरीके से फिल्माया गया है और बहुत ही अच्छा मतलब डायरेक्शन है फिल्म का। म्यूज़िक के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, म्यूज़िक थोड़ा कमज़ोर है, बट वो म्यूज़िक आपको खलेगा नहीं कहीं पे भी, क्योंकि जो फिल्म है फिल्म उसकी कमी को कम्प्लीटली पूरा कर देती है, और म्यूज़िक की कमी खलेगी नहीं। पिक्चर के दो गाने थोड़े बहुत अच्छे हैं, चाशनी और स्लो मोशन, बाकी ठीक ठाक है। आइटम स्लो मोशन सॉन्ग है ना, वही तो है, तो वो अच्छा किया दिशा पटानी ने, अच्छा काम किया, अच्छे आगे मेहनत करेंगे, अच्छे चांस मिलेंगे तो काफ़ी आगे अच्छे निकल सकते हैं, तो अच्छा लगा मुझे उनका काम। 5 में 4.5 दे सकते हैं हम जी।